पंजाब सहित कई राज्यों के किसान खेतों में गेहूं के डंठल नहीं जला रहे हैं। पशु चारा की कमी और भूसा की बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसान फसल अवशेष को जलाने से बच रहे हैं। यही कारण है कि डंठल जलाने की घटनाओं में कमी आई है। किसान अब इसे जलाने की बजाय बिक्री पर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। इस सीजन में भूसा की कीमतों में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है और यह 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के कारण खेतों में डंठल रह जाते हैं। कंबाइन काफी ऊपर से फसल की कटाई करता है। खेत तैयार करने से पहले किसान बचे हुए डंठल को जला देते थे, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है। गेहूं के डंठल की ऊंची कीमतों के कारण फसल कटाई के बाद पंजाब में केवल 67 खेतों में आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं। 2019 में पंजाब में 8921 खेतों में आग की घटनाएं सामने आई थी, जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर 11014 हो गई। 2021 में थोड़ी सी कमी आई और आंकड़ा 9806 रहा। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस बार भी डंठल जलाने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वह एक छोटे से क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि पशु चारे की कमी और डंठल की मांग को देखते हुए किसान बिक्री करने पर जोर दे रहे हैं। मालवा और दोआबा क्षेत्र से गेहूं का भूसा राजस्थान जा रहा है। यहां पर किसानों को भूसा का 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। वहीं अन्य किसान राज्य के अलग अलग बाजारों में इसकी बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों का असर भी दिख रहा है। यह भी कारण है कि किसान गेहूं के डंठल को नहीं जला रहे हैं। गेहूं के भूसे की कीमत पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। कुछ किसानों ने तो आगे चलकर कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद में भूसा को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। मवेशियों के लिए गेहूं का भूसा एक महत्वपूर्ण चारा है। पिछले सीजन में भूसा 1100 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था, जो कि अब 2800 रुपये से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।